हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मिनीम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन मिनीम के हैक्स के बारे में, और मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताने वाला हूं कि जिससे आप ऑनलाइन मिनीम सॉफ्टवेयर को और अच्छे से यूज कर पाएंगे। और मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप ऑनलाइन मिनीम के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। और भी मैं इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है और अगर आप ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, और मैं इसमें आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताने वाला हूं कि जिससे कि आप ऑनलाइन मिनीम सॉफ्टवेयर को और भी अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। तो देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आप अगर ऑनलाइन मिनीम का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपके पास ऑनलाइन मिनीम का सॉफ्टवेयर आपकी लैपटॉप में इंस्टॉल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी डिफरेंट कॉपीज बना सकते हैं। सपोज आपने एक कॉपी बनाई है ज्वेलरी वर्क के लिए, ठीक है। अगर आप मनी लेंडिंग का भी काम करते हैं, गोल्ड लोन्स का काम करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की एक और कॉपी बना सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपके यहाँ पर जो भी ऑनलाइन मिनीम का फोल्डर होगा, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है कि ऑनलाइन मिनीम का एक डेव फोल्डर है, फिर यहाँ पे मैंने कंप्लीट फोल्डर बना रखा है। तो इसमें आप अंदर जाके देखेंगे कि आपका ऑनलाइन मिनीम का एक कॉपी यहाँ पर है, पूरा सॉफ्टवेयर की आपको कॉपी करनी है, प्लस आपको दूसरी जगह भी सेम कॉपी करनी है। अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सेम कॉपी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ कि आपके जो पर्सनल यूज के लिए आपको कुछ ऐसे एक्शन आइटम्स ऐड करने हैं, या फिर आपके जो पर्सनल यूज के लिए आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी आप एक और कॉपी बना सकते हैं। सपोज आप ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप अलग रखना चाहते हैं, तो आप एक कॉपी बना सकते हैं कि ऑनलाइन मिनीम का जो फोल्डर होगा उसको आप कॉपी करेंगे और उसको रीनेम कर सकते हैं ओ मिनीम पर्सनल के नाम से, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि देखिए ये मेरे पास यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट इसी तरीके से मैंने और भी कॉपीज यहाँ पे डेव के नाम से बना रखी है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये इस वाली कॉपी से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें मैं कोई भी फॉर्म बना सकता हूँ, उस वाली फॉर्म को डिलीट कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी वर्क करूंगा तो जो मेरा एक दूसरी कॉपी होगी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट आपका लॉगिन पासवर्ड सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको सपोज फॉर्म दिख रही है, यहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया एस जैन नाम की आपको फॉर्म दिख रही है, ठीक है। अगर तो इस वाले कॉपी पे मैं कुछ भी काम करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे कोई कस्टमर एड ऑन किया, मैंने यहाँ पे एक कस्टमर एड ऑन किया सपोज टेस्ट, ठीक है, टेस्ट नाम का मैंने यहाँ पे कस्टमर एड किया, और मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, और सिटी का नाम मैंने यहाँ पे पुणे ले लिया, ठीक है। फॉर्म मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको इस कस्टमर को एड ऑन कर लिया। तो अब देखिए जो यूजर लिस्ट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट कस्टमर दिख रहा है और फॉर्म का नाम दिख रहा है एस जैन। अब इस वाली अगर हम यहाँ से बिल्ड को क्लोज कर लेते हैं और हम दूसरी जगह से अगर ओपन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक मैंने और सॉफ्टवेयर की कॉपी बना के रखी है और मैं यहाँ से अभी ओपन करूंगा, तो आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट फॉर्म दिखेगी और डिफरेंट एंट्रीज रहेंगी और इसका डेटाबेस आपका डिफरेंट लोकेशन पे सेव होगा। तो इसी तरीके से आप ऑनलाइन मिनीम की एक से ज्यादा कॉपी बना सकते हैं, जितनी भी आपको कॉपी बनानी है, सपोज 3, 4, 10, 20 जितनी भी कॉपी आपको बनानी है आप ऑनलाइन मिनीम सॉफ्टवेयर की कॉपी बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ओम फॉर्म दिख रही है, तो ओम फॉर्म में जो भी हम काम करेंगे वो हमारा इस वाली कॉपी में, देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर एबीसी दिख रहा है, बट इसमें क्या है कि एक सॉफ्टवेयर आपका एक ही टाइम पे रन करेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2-3 सॉफ्टवेयर आप एक ही साथ चला पाएंगे, आप ऑनलाइन मिनीम की डिफरेंट कॉपीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको एक जो ट्रिक्स बताई है वो ये बताइए कि आप ऑनलाइन मिनीम की एक से ज्यादा कॉपी बना सकते हैं। सपोज ज्वेलरी मैनेजमेंट के लिए आपकी अलग कॉपी है, लोन मैनेजमेंट के लिए आपकी अलग कॉपी है, पर्सनल जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपको अलग कॉपी है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको ये ट्रिक बताया। दूसरा ट्रिक आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन मिनीम सॉफ्टवेयर में और क्या कर सकते हैं। तो देखिए आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपने क्लाउड वर्जन यूज कर रहे हैं, मैं आपको क्लाउड वर्जन के बारे में बताता हूं कि आप क्लाउड वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी डिवाइस से यूज कर सकते हैं, लाइक आपका अगर टैबलेट है, आपका लैपटॉप है, ठीक है, तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने आपको सेकंड टेक्निक ये बताया कि अगर आपका ऑनलाइन मिनीम का सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड है तो आप मल्टीपल डिवाइसेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा उसमें ट्रिक रहेगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपको और किस तरीके से आप ऑनलाइन मिनीम का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो एक मैं आपको ट्रिक ये बताना चाहूंगा कि आप अगर एक आपका लोकल सिस्टम चल रहा है
और उसको आप और सिस्टम्स पे यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि आपको सिंपली क्या करना है कि अपने सॉफ्टवेयर जो आपका लैपटॉप रहेगा मेन लैपटॉप उसको एज ए सर्वर बनाना है और टेक्निकल सपोर्ट को आप कॉल करेंगे तो वो आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। फिर सेम आईपी एड्रेस डाल के आप किसी लैन में या फिर आपका जो वाईफाई कनेक्शन होगा तो उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन मिनिंग सॉफ्टवेयर को। उसको आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, उसको टैबलेट पे भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्लाउड की भी जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको थर्ड ट्रिक बताई है कि आप ऑनलाइन मिनिंग सॉफ्टवेयर में ये भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दिखता है, ये आपका जो आईपी एड्रेस है ये अभी तो आपको 127 दिख रहा है बट अगर आप टेक्निकल सपोर्ट को कॉल करेंगे तो वो आपको ये भी सेटिंग आपको करके दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ कि आजकल हम लोग आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिनिम के डोंगल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन मिनिम के दो डोंगल्स हैं, ठीक है, एक ये डोंगल है और एक ये डोंगल है। इन दोनों डोंगल में मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ कि दो इस टाइप के आपको डोंगल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जो डोंगल है इसमें आपको स्टोरेज मिलेगा, ठीक है, इस वाले डोंगल में आप क्या कर सकते हैं पूरा सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और इस डोंगल से आप जो जैसे ही आप डोंगल इंसर्ट करेंगे आप सॉफ्टवेयर में रन कर पाएंगे और सारा का सारा डेटा आपका इस डोंगल के अंदर ही सेव रहेगा। दूसरा मेरे पास डोंगल है कि जिसके अंदर स्टोरेज नहीं है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले डोंगल के साथ आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर या तो आप पेनड्राइव में सेव कर सकते हैं दूसरी पेनड्राइव में या फिर आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। इन डोंगल्स का क्या एडवांटेज रहता है कि आपको सपोज आपने ऑफिस में गए, आप अपनी शॉप में गए, आपने ये डोंगल इंसर्ट किया, वहां पे काम किया, फिर सेम डोंगल आप घर पे लेके आके घर पे किसी दूसरे सिस्टम पे ये डोंगल आप इंसर्ट करेंगे तो आप वहां पे भी वर्क कर सकते हैं। तो आप एक डोंगल से मल्टीपल सिस्टम्स पे मल्टीपल जो आपके पीसीज हैं लैपटॉप हैं उस पे आप काम कर सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा आपका डोंगल के अंदर सेव रहता है। और दूसरा अगर आपने विदाउट स्टोरेज वाला भी लिया तो आप एक अलग से पेन ड्राइव रख सकते हैं और एक हार्ड डिस्क में भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो मैंने आपको एक और ट्रिक बताई है कि आप डोंगल की हेल्प से भी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम पे आप रन कर सकते हैं, क्योंकि आप विदाउट डोंगल सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो आपकी मेन सिस्टम जिस पे आप इंस्टॉल करते हैं उसी पे ही रन करता है, बट डोंगल की हेल्प से आप किसी भी लैपटॉप किसी भी पीसी पे आप ये रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं कुछ भी सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको वहां पे पूरा रेस्पॉन्स करेंगे। और मुझे बताइए कि अगर आप अगर आपके पास कोई भी और भी आइडियाज है सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।